हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप WPS ऑफिस से कैसे अपनी PDF बना सकते हैं सिंपली। तो उसके लिए आपको सबसे पहले WPS ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो यहाँ मैंने पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे अब आपको WPS ऑफिस खोलना है और एक बुक लेनी है, जिसको भी आप जिसके जिस जिस बुक का भी आपको PDF बनाना है। तो मेरे को अभी इसका PDF बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं तो सबसे पहले ये खुलता है और फिर यहाँ पे प्लस का बटन दिखाई देगा आपको। ओके, तो आपको सिंपली उसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें दबाना है स्कैनर को, तो हमने स्कैनर पे दबाया तो यहाँ पे आपका ये खुल गया है। तब तो आपको यहाँ पे फोटोज़ लेनी है, तो आप फोटोज ले लीजिए। और आप ध्यान रखिए कि आपका जो लाइन है वो PDF पे होना चाहिए, नहीं तो आपका PDF नहीं बनेगा, आपकी PPT बन सकती है और कुछ भी बन सकता है। तो आपको उसके लिए PDF लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें ओके दबा दिया, तो ये थोड़ी देर लेगा। तो अब आप दूसरा पेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी इसको क्रॉप कर लेते हैं, आपको भी उसको क्रॉप ही करना है। अभी यहाँ पे हमने ओके दबाया है तो अभी ये दूसरा पेज हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हो चुका है। और जैसे ही आपकी सारी PDF बन जाए तो आपको डन पे दबाना है। तो आप जैसे ही डन पर दबाएंगे तो आपके अभी ये सेव होने के लिए हो जाएगा। तो अभी हम अभी सेव कर लेते हैं इसको। तो ये ऐसे PDF में ही सेव हुआ है। अब यहाँ पे हमें सेव का बटन दबाना है और यहाँ पे सेव फाइल टू, तो आप यहाँ पे अपने सेव कर सकते हैं और फिर आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट में कर रहा हूँ और यहाँ पे आप कर सकते हैं इसका रीनेम, जैसे कि मैं कर रहा हूँ तरुण कृष्णा। अब यहाँ पे हमें दबाना है एक्सपोर्ट टू PDF। तो अब यहाँ पे ये तैयार हो गया है, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा पहला पेज और ये रहा दूसरा पेज। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने सारे PDFs बना सकते हैं। और ये इसके लिए आपको PDF बनाने के लिए बहुत सारे स्कैनर्स होते हैं, पर WPS ऑफिस में बहुत कुछ होता है, इसलिए अगर हम उसको डाउनलोड करें तो एक ही बारी में सारी चीज़ें हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।